बरेली उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस पश्चिमी की मासिक बैठक और यूथ इंडिया कार्यक्रम प्रवक्ताओं की खोज आज होटल रोहिला निकट कंपनी गार्डन चौराहा पर हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस पश्चिमी के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव उपस्थित रहे। दो सत्रों में चल रहे कार्यक्रम में सभी को दो दो मिनट का एक टॉपिक दिया गया था और उस पर उपस्थित यूथ को बोलना था। पहले सत्र में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस पश्चिमी के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव ने कहा कि वर्तमान समय में आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की है। जिस तरह से भाजपा इतिहास को बदलना चाह रही है, उसको रोकने के लिए देश के युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा केंद्र की इसी भाजपा मोदी सरकार ने युवाओं को ठगा। चुनावों से पूर्व युवाओं को सपने दिखाए गए कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरह से भाजपा के नेताओं के बयान आना शुरू हुए कि ठेला लगाओ, पकौड़े तलाओ, चाय बेचो, उससे युवाओं के अंदर हताशा और निराशा पैदा हुई। तेज आंधी और हवाओं के रुख को युवा ही पलटता है और इस केंद्र की भाजपा सरकार को भी युवा ही बदलेगा। भोजन के बाद दूसरे सत्र में उपस्थित युवाओं को दो दो मिनट के लिए बोलने के लिए टॉपिक दिया गया और उनकी मार्किंग की गई। उनको ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से आगे चलकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इस जन विरोधी भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना है। कार्यक्रम के बीच में ही प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उपस्थित सम्मानित समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी माहिन खान एवं हेवरन कसाना ने कहा कि आज केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। आगामी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की हल्ला बोल महारैली है, जिसमें महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। यह सरकार महंगाई कम करने का नाम नहीं ले रही है। इसी जानना चाहेंगे किस उपलक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या प्रोग्राम आपका? देखिए, सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हुए आपको अवगत कराता हूं कि 4 तारीख को दिल्ली रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, और महंगाई के खिलाफ इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, और महंगाई कम करने का नाम नहीं ले रही है ये सरकार। और सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं की पुरानी जो स्पीच चल रही है कि ये सरकार महंगाई का मैं बोलने को तैयार नहीं है, निश्चित तौर पे आज वो हालात जो नरेंद्र मोदी जी ने पहले बोले थे वो सामने आ गए हैं। और मोदी जी अभी पीछे भी जो 15 अगस्त का कार्यक्रम था, उसमें एक शब्द उन्होंने महंगाई पे नहीं बोला, बेरोजगारी पे नहीं बोला, और देश परेशान है, देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है, हर तरफ महंगाई की मार है, लोग परेशान हैं, कमाई खत्म हो गई है, और कहीं से कहीं तक बिल्कुल कहीं पर आम आदमी को राहत लेने का नाम नहीं है। और हम इसी उपलक्ष में इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली का आयोजन कर रहे हैं 4 तारीख में। उसी की जो तैयारी को लेकर के आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक यहां पर हुई है, युवा कांग्रेस के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण और हमारे राष्ट्रीय सचिव हेवरन कंसाना जी और माहिन जी आए हुए हैं यहाँ पर समीक्षा बैठक में। और 4 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रदेश से युवा कांग्रेस के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके पहुँचेंगे। ये सर अच्छी बात है कि जमीनी मुद्दों को उठाया जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता जो भी दिखाई नहीं दे रही है, आपने बहुत पहले भी काफ़ी कोशिशें की हैं, बड़े अच्छे मुद्दे भी, महंगाई है, बेरोजगारी है, आम इंसान के मुद्दे भी होते हैं, लेकिन जनता का जो जवाब है वो नजर नहीं आता है, उसको लेकर किस तरह की आप? देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो सत्ता की या कुर्सी हत्याने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है इस देश को बचाने की। देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं आज, आज चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे देश की सुरक्षित सीमा नहीं है आज, चाहे सीमाओं की बात हो, और चाहे हमारे देश में
बेरोजगारी के दलदल में धंसते जो हमारे युवा दम तोड़ रहे हैं उनकी बात हो। हर तरफ मारा मार है, हर तरफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे हम लोग सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और आज जनता जागरूक हो चुकी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।